हेलो एंड वेलकम टू सैयद्स किचन। चले आज बनाते हैं हम तंदूरी चिकन शावरमा। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है और बहुत ही झटपट बनने वाली, जो बच्चों को बड़ों को इक्वली पसंद आती है। तो चले देखते हैं कि हमने तंदूरी चिकन शावरमा कैसे बनाया। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन को हीट अप कर लिया है, जिसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब। इसको थोड़ा सा हीट अप कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें, यहाँ पे हमने 250 ग्राम बोनलेस चिकन के क्यूब्स हैं, इनको इनमें ऐड कर दिया है। और इसके अंदर हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए, हमारे क्यूब्स हमने बिल्कुल छोटे छोटे से बाइट साइज से पीसेस रखे हैं, बस इतने ही साइज़ के पीसेस हमको रखने हैं। मसालों में सबसे पहले हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट का ऐड कर दिया है। सूखे मसालों में हमारे पास यहाँ है धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च की कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, और थोड़ी सी हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ली है। चाट मसाला है, भुना कुटा ज़ीरा है, हल्दी और नमक है। बस इतनी ही हमने चीज़ें, बस बिल्कुल नॉर्मल से घर के मसाले लिए हैं, ये इनमें ऐड किए हैं। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप इसमें बिल्कुल थोड़ा सा कलर भी ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें हमने 2 से 3 टेबल स्पून भरकर टंगा हुआ दही भी ऐड कर दिया है। दही बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी से जो मसाला है चिकन को चिपकेगा और बिल्कुल चटाकेदार बनेगा। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू हाई हीट पर इसको हम कुक करेंगे। तो देखिए, चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है, फ्लेम हमने मीडियम कर दी है। और इसको हम बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पर नहीं कुक करेंगे, मीडियम फ्लेम पर ही कुक करेंगे। अगर आप इसको बिल्कुल धीमी आंच पर कुक करेंगे तो बोटी जो है वो बहुत सॉफ्ट हार्ड हो जाएगी। तो इसको जूसी और सॉफ्ट रखने के लिए इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुक करें। जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा, वैसे वैसे चिकन जो है वो अपने जूसेस रिलीज़ करती जाएगी। हमने इसमें एडिशनल कोई पानी नहीं डालना, चिकन और दही के पानी में ही ये अपने आप कुक होती जाएगी। तो देखिए, चिकन ने अपने जूसेस रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। तो बस हमको इसको इतना पकाना है कि ये सारे जूसेस रिलीज़ होने के बाद सारे जूसेस सूख भी जाए और हमारी जो बोटी है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और मसाला जो है वो चिकन को बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए। तो ये देखिए, चिकन ने सारे जूसेस अपने रिलीज़ कर दिए। बोटी जो है हमारी थोड़ी सी कच्ची पक्की है, तो हमने इसको मीडियम फ्लेम पर रख दिया है। और ये जब सारा पानी इसका इवेपोरेट हो जाएगा तो हमारी चिकन भी तब तक अच्छे से गल जाएगी। चले अब दूसरी तरफ इसके ग्रीन सॉस की तैयारी कर लेते हैं। इसको हम कवर कर लेंगे। ग्रीन सॉस के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे धनिया और पुदीना। तो धनिया हमने ज़्यादा लिया है और पुदीना थोड़ा सा कम लिया है। इसी के साथ ही इसमें हम 5-6 कली लहसुन की ऐड कर रहे हैं और 1/2 इंच का अदरक का टुकड़ा ऐड कर रहे हैं। 2 हरी मिर्चें हैं, नमक है और ज़ीरा है। एक टेबलस्पून भरकर हमने यहाँ पर दही भी लिया है। अब बस इन सारी चीज़ों को हम ग्राइंड करके इसका सॉस बना लेंगे। तो ये देखें, जब तक हमारा सॉस रेडी हुआ है तब तक हमारी चिकन भी जो है वो बनकर रेडी हो गई है। सारा मसाला जो देखें चिकन को चिपक गया है, सारे जूसेस जो है वो सूख चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार, चटपटी, मसालेदार चिकन जो है वो बनकर रेडी हो गई है। फ्लेम को ऑफ करने से पहले इसमें हम 1/2 लेमन स्क्वीज़ कर लेंगे। लेमन अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसकी फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे। तो ये हमारे चिकन का मसाला जो है बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। अब जो रैप है उसके अंदर हम थोड़ा सा सैलेड भी ऐड करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर प्याज को कट कर लिया है, लच्छेदार बिल्कुल प्याज हमने कट की है। प्याज के साथ ही हम इसमें थोड़ी सी और चीज़ें ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ धनिया और पुदीना दोनों को हमने ऐड किया है। इसी के ऊपर ही हम एक लेमन, 1/2 लेमन जो बचा था उसको स्क्वीज कर लेंगे।
बिल्कुल, थोड़ा सा इसके ऊपर हम सॉल्ट भी ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली या रेड चिली ऐड कर दे, इससे जो है इसमें एक बहुत अच्छा सा क्रंच आ जाएगा। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं, स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर लें। अब ये देखें, यहाँ पे हमने एक रोटी बनाई है, मैदे की रोटी है। आटा हमने बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह गूंदा है, लेकिन उसके अंदर मोइन हमने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है। इससे ये होगा कि रोटी जो है वो ज़्यादा देर तक सॉफ्ट रहेगी। और जब हमने रोटी को सेका है तो हमने इसके ऊपर थोड़ा सा बटर हल्का हल्का लगा दिया है और इस तरीके से इसको फ्राई करके सेक लिया है। तो बिल्कुल सॉफ्ट सी हमारी टोटिया या रोटी जो है बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसके ऊपर अपनी चिकन रख देंगे और इसके बाद इसके ऊपर सैलेड को लगा देंगे और इसको अच्छे से रैप कर लेंगे। सैलेड और चिकन के ऊपर ही हम अपनी ग्रीन सॉस भी ऐड कर देंगे। तो ये हमारा तंदूरी चिकन शावरमा जो है वो बनकर रेडी हो गया है। इसी तरीके से बाकी को भी हम बनाकर रख लेंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा। अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ हम साइन ऑफ करते हैं। टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग सैयद्स किचन।